जो तस्वीर आप इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं ये बहुत जल्द ही वास्तविक तौर पर सामने आने वाली है, क्योंकि ब्रह्मोस जिसका सफल परीक्षण हुआ, एक ऐसी मिसाइल जो अगर किसी लक्ष्य पर अटैक करने का कमिटमेंट कर लेगी तो फिर वो खुद की भी नहीं सुनती, यानी कि ब्रह्मोस का वार कभी खाली नहीं जाता। अब ब्रह्मोस की नई खूबी के साथ भारत के पास ऐसी ताकत आ चुकी है कि दुश्मन अगर बिल में भी है तो वो महफूज नहीं है। भारत ने समुद्र से वार करने वाली ब्रह्मोस के लैंड अटैक वर्जन का कामयाब टेस्ट किया है, सफल परीक्षण किया है। एशिया ही नहीं पूरी दुनिया में ब्रह्मोस का मुकाबला करने का दम शायद ही किसी मिसाइल में हो। ब्रह्मोस का यह परीक्षण देश के दुश्मनों के लिए अफसोस करने की अब एक और बड़ी वजह है। ब्रह्मोस पर तैयार इस रिपोर्ट से जाहिर है कि आप तक डिफेंस की खबरें पूरे विश्लेषण के साथ सबसे पहले जी न्यूज पर पहुंचती हैं। आज एक बार फिर पूरे बारीक विश्लेषण के साथ ब्रह्मोस पर रिपोर्ट आपके सामने है, जिसमें एक्सपर्ट्स की राय भी है, तकनीकी पहलुओं को भी सामने रखा गया है। अचूक निशाना लगाने वाली ब्रह्मोस की कार तलाश रहे चीन और पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर आ गई है। नौसेना ने अपनी ताकत दिखाते हुए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का कामयाब टेस्ट किया है। भारतीय नौसेना अब इस मामले में चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गई है। इस ब्रह्मोस मिसाइल को फ्रीगेट आईएनएस तेग से फायर किया गया, टारगेट जमीन पर था और हमेशा की तरह इस मिसाइल ने अपना लक्ष्य भेदने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बड़ी रेंज की टेस्ट फायरिंग की थी, जो 100% सफल बताई गई। इससे इसकी पहुंच 290 किलोमीटर से बढ़कर 450 किलोमीटर हो गई है। भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल तैयार की है। इसका एंटी शिप वर्जन पहले ही नौसेना में शामिल किया जा चुका है। कई युद्धपोत इससे लैस हैं। देश के दुश्मनों का बैड लक बन चुके इस ब्रह्मास्त्र का एक और क्रांतिकारी वर्जन अभी डेवलप किया जा रहा है और वो मिसाइल 800 किलोमीटर तक निशाना लगाएगी। अवश्य है कि दुश्मन को इसका फिक्र होगा। इस रेंज बढ़ाने से कई टारगेट जो इस वक्त वो सुरक्षित समझते थे वो हमारी रेंज में आएंगे, उनको हम नाश कर सकते हैं, तो इसका प्रभाव तो उन पे ज़रूर होगा, तो इससे हमें बहुत फायदा है रेंज बढ़ाने से। इस नई मिसाइल की नींव अक्टूबर 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत रूस के बीच हुई बातचीत में रखी गई, और ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारत 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम क्लब में शामिल हो गया है। 2016 में जून में जब MTCR में हमको अप्रूव किया गया, उस जो भारत को ये एंट्री मिलने के बाद इसका एडवांटेज ये है कि अभी भारत ये जो मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल है उसका ये एक्सपेंशन प्रोग्राम कर सकता है, तो हमने ये थोड़े से समय के अंदर हमने ये मिसाइल को कर लिया। अब इस नए टेस्ट के बाद सबसे बड़ा खतरा चीन के लिए हो गया है। दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस अब तक सिर्फ 290 किलोमीटर तक मार कर सकती थी, यानी चीन की सीमा में 300 किलोमीटर से दूर मौजूद सैनिक अड्डे सुरक्षित होते थे। आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज रफ्तार से वार करने वाले इस मिसाइल से अब दुश्मनों की सीमा में 800 किलोमीटर अंदर तक मौजूद टारगेट भी सुरक्षित नहीं होंगे। जो क्रूज मिसाइल है ये कंटूर फ्लाइंग करती है, ये जैसे जैसे जमीन की बनावट होती है उसके साथ साथ लो बहुत 5-10 मीटर या 20 मीटर की हाइट के ऊपर फ्लाई करती है, तो जब आपके पास में इस किस्म की क्षमता है तो आपका जब रेंज बढ़ जाता है तो आप जो टारगेट्स माउंटेंस के पीछे भी होते हैं तो उनको भी आप कवर कर सकते हैं। पहले ब्रह्मोस मिसाइल से सीमा पर मौजूद पाकिस्तानी शहरों और सैन्य ठिकानों पर खतरा था, लेकिन अब पाकिस्तान के नक्शे के अंदर मौजूद शहर भी इस खतरनाक मिसाइल की रेंज में आ गए हैं।